हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मोहिनी मोनी कुकिंग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्मा की डिलीशियस और ट्रेडिशनल स्नैक स्टिकी राइस बॉल्स। इसको बर्मा में मौलों ये बॉ कहते हैं। इसका मतलब होता है फ्लोटिंग स्नैक बॉल्स। ये स्नैक बहुत ही सिंपल और इजी वे से कुछ मिनटों में ही बन जाते हैं विदाउट फेल हुए। बर्मा की वाटा फेस्टिवल में बनने वाली फेमस स्नैक है ये। हम जब भी इस स्नैक को देखते हैं वाटा फेस्टिवल याद आ जाती है। इस स्नैक का मेन हीरो है पलमेरा फ्रूट से बनने वाली प्लम जगरी, प्लम शुगर भी इसे कहते हैं। आपका जगरी सही नहीं होगा तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने का तरीका। हम इस ट्रेडिशनल स्टिकी राइस बॉल स्नैक्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी स्टिकी राइस पाउडर, स्टिकी राइस का आटा और एक कप ग्रेटेड कोकोनट और एक कप पलमायरा फ्रूट से बनाया हुआ जगरी, इसको प्लम शुगर भी कहते हैं, और डो बनाने के लिए पानी। तो हम इसका सबसे पहले डो बना देते हैं। इसका डो बनाना बहुत ही आसान होता है और जितने बेसन के आटे हैं या गेहूं के आटे, जितने भी आटे हैं उसमें ये सबसे इजी और क्विकली ये डो बन जाता है। इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना ज़रूरी है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं, नॉर्मल ही रखेंगे। तो हम इसका सबसे पहले डो बना लेते हैं। इसको डो बनाते वक्त आटे जैसा हाथ में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आराम से डो बन जाता है। ये मैंने 1.5 कप लिया था। इसको डो बनाने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट ही समय लगा। अब ये हो गया है। अब हम आगे की प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमें सबसे पहले एक छोटे से कढ़ाई में या बर्तन में पानी उबलने के लिए रखना है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा तक हम लोगों ने पानी भर लिए है। और नॉर्मली पलमायरा के जगरी का साइज इतना सा होता है। हम लोग ने इसको छोटे छोटे साइज में टुकड़े कट कर दिए हैं अपने हिसाब से। अब हम इस पानी के उबलने का वेट करते हैं और हमें एक बोल में ठंडे पानी भी ले करके रखना है और जो बन जाएगा उसको डालने के लिए भी एक सर्विंग प्लेट रखना है। और जब पानी उबलता है तब तक हम लोग स्टिकी राइस बॉल रेडी करते हैं। ऐसे गोल कर देना है पेड़े जैसा, फिर इसमें ऐसा छेद करते हैं, फिर इसमें ये जगरी के टुकड़े को डालना है, फिर ऐसे बंद करके गोल कर देना है। यहाँ बिल्कुल भी जगरी दिखना नहीं चाहिए। हम सभी स्टिकी राइस बॉल को जब तक पानी उबलता नहीं है तब तक हम इसकी रेडी करते हैं। पानी में जल्दी उबाल आने के लिए हम इसके ढक्कन ढक देते हैं। हम ऐसे बॉल्स बनाते जाएंगे। प्लेट में ना चिपकने के लिए 1-2 बूंद तेल प्लेट की बेस में लगा लेते हैं। अगर आपके पास स्टिकी राइस का आटा ना हो तो आप स्टिकी राइस मिलने पर उसको घर में मिक्सी पर फाइन पाउडर पीस कर भी उसको छान कर बना सकते हैं। अब पानी अच्छे से उबल गया है। अब हम इसमें स्टिकी राइस बॉल को ऐड करते हैं। अब हमें ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये जब हम स्टिकी राइस बॉल को ऐड करते हैं तो ये पानी में डूब जाता है। ये पक जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी के ऊपर उठ जाएगा। जब तक पानी में ऊपर फ्लोटिंग नहीं होता हम ये, इसका मतलब अभी ये पका नहीं है, पक जाने पर अपने आप ही फ्लोटिंग हो जाएगा।
देख सकते हैं 4-5 मिनट बाद कुछ बॉल्स ऊपर फ्लोट करने लगे हैं। जो ऊपर आ गया उसको हम इस नॉर्मल पानी में इसको ऐड कर देते हैं। ऐसा ऐड करने के बाद ये चिपकेगा नहीं, और जो नया नया बन रहा है उसको भी ऐड करते जाएंगे, और जो बन गया उसको निकालते जाएंगे। दो तीन मिनट बाद अब ये रेडी हो गया है। अब हम इसको ग्रेटर कोकोनट गार्निश करके खा सकते हैं। अब ये खाने को बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार स्वादिष्ट होता है ये। तो सबको टाटा बाय, सी यू टेक केयर, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे।